दोस्तों काफी समय के बाद सनी देओल की एक और फिल्म का ट्रेलर ब्लैंक का ट्रेलर आ चुका है। साल 2018 में सनी की तीन फिल्में आई थी, यमला पगला दीवाना फिर से, मोहल्ला 80, भैया जी सुपरहिट। उसके बाद में अब 2019 की शुरुआत सनी पाजी ने की है जबरदस्त एक्शन के साथ, वो भी डिंपल कपाड़िया के भतीजे सिंपल कपाड़िया के बेटे अक्षय कुमार के साले करण कपाड़िया के साथ। जी हाँ दोस्तों, करण कपाड़िया इस फिल्म में एक सुसाइड बॉम्बर का किरदार निभा रहे हैं, उनकी खूब तारीफें भी हो रही है। अब बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का इस ट्रेलर पे रिएक्शन आ चुका है। अक्षय कुमार ने इस ट्रेलर का लिंक डालते हुए नीचे लिखा, करण कपाड़िया मैंने इसे बचपन की शैतानियां करते हुए देखा है और वहां से उसको जवान लड़का बनते हुए भी देखा है, वो काफी शानदार लग रहा है फिल्म के अंदर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने सनी देओल को भी इस पोस्ट पे टैग किया। जी हाँ दोस्तों, ट्रेलर वाकई में दिलचस्प है, हमने पिछले वीडियोस में आपको इसका रिव्यू भी दिया है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, साथ ही फिल्म के ट्रेलर का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेलर में सनी देओल के एक्शन के अलावा करण कपाड़िया की बेहतरीन एक्टिंग भी है और अक्षय कुमार ने अपने साले की सपोर्ट में पोस्ट उनका ट्रेलर का अपने बायो में शेयर किया और फिल्म की तारीफ की। देखना होगा कि करण की डेब्यू फिल्म ये कैसे साबित होती है। सनी देओल का साथ होने से जरूर ये फिल्म हिट जरूर हो जाएगी। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो।